गौ तस्करी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने SBI तिराहे पर पुतला दहन किया तथा गायों की सुरक्षा की मांग की। इस मौके पर गौ रक्षा प्रमुख कविंद्र भारती, पूरन रावत, शेर सिंह मलड़ा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने ताड़ीखेत में गौ तस्करी की घटना का विरोध करते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरी घटना में कुछ सफेदपोश भी शामिल हैं जिन्हें बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है। देवभूमि में गौ माता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदूवादी संगठनों ने सरकार से भी मांग की कि गाय के संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाया जाए। आज पुतला दहन का जो कार्यक्रम है उसका मूल उद्देश्य जो है, जो अभी ताड़ीखेत में कुछ लोगों ने गौ तस्करी का एक मामला जो सामने आया है, हमारे पहाड़ से जो इस तरह का सारा कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं वो हमको सहन नहीं हो रहा। फिर जो ये राजनीतिक दलों के लोग जिसमें नाम आया है, कोई ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे नेता है और हम लोगों ने उनको अपना अग्रेसर बना रखा है, वह लोग इस तरह का हमारी गौ माता के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये विकास दुबे जैसा काम कर रहे हैं। जो अभी अभी एक कार्यक्रम अभी कानपुर वाला जो आपके समझ में आ रहा होगा, तो ऐसा कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा सरकार दे, शासन प्रशासन उस पर वो करे। पता चला है पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सा उनसे मिलीभगत कर रहा है। पुलिस को भी अपना पूरा ठीक करना चाहिए, क्योंकि हम सब पुलिस के साथ है। ऐसा नहीं कि हम उसका विरोध करेंगे या उसका विरोध करेंगे, हमारा विरोध गौ वंशका के साथ जो भी किसी भी तरह का अगर अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा हमारा कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। जय श्री राम। धन्यवाद। जैसे कि हम लोग देवभूमि में निवास करते हैं और हमें बचपन से सिखाया गया है कि गौ माता के अंदर सभी देवी देवता निवास करते हैं। आज हमारे इस देवभूमि में आप देखेंगे ऐसे ऐसे घिनौले अपराध हो रहे हैं। आज हमें समझ नहीं आ पा रहा कि हम किस पद्धति में जी रहे हैं। आज पाश्चात्य जो सभ्यता है वो हमारे हिंदूवादी सभ्यता को सीख रही है और हम लोग पाश्चात्य सभ्यता अपना रहे हैं, तो हम कुछ युवा आज इकट्ठा करके इस खोई हुई जो संस्कृति है उसको जगाना चाहते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि प्रेस के माध्यम से और इन युवाओं के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना है, कृपया आप ऐसे घिनौले कार्य नहीं करें, हमारा साथ दें। हम लोग कोई गलत उद्देश्य नहीं है, हम एक शांति चाहते हैं कि सब लोग, हमारा पहले से उद्देश्य है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हमारा एक संदेश रहता है। फिर भी आप हम लोग कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो हमको लड़ाते हैं, हमें आपस में हमारे बीच में बैर डलवाते हैं, तो ये सबसे गलत काम है। हम पढ़े लिखे युवा हैं, कोई अनपढ़ युवा नहीं है जो हम आपस में किसी की बात में लड़ेंगे झगड़ेंगे। ऐसे हमारा बजरंग दल का कभी उद्देश्य ही नहीं रहता गलत, तो आप समझ सकते हैं। बाकी धन्यवाद आपका। न चाहूँ मान दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, न चाहूँ मान दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, मुझे वर्द यही माता, रहूँ भारत पे दीवाना। करूँ मैं गौ वंश की सेवा, चाहे पड़े करोड़ों दुख, मगर जब जन्म लूँ आकर तो भारत पर ही हो आना, तो भारत पर ही हो आना। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौ माता को सिर्फ एक जीव नहीं समझा जाना चाहिए, ये हमारी माता की, हमारी भगवान की सवारी है। परसों सोमवार की मध्य रात्रि के दिन मैंने यह खबर सुनी कि हमारे ब्लॉक प्रमुख, जो ताड़ीखेत के ब्लॉक प्रमुख है, वो इस मामले में आरोपित हैं या उस मामले में उनका घेराव आ रहा है, तो ये यह एक हिंदू के लिए बहुत गलत बात है। और यह बात हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के दिल में घाव सी कर चुकी है। जैसे कि परसों सोमवार की रात्रि को जो हमें ये बात पता चली कि ताड़ीखेत में जो सिमली गांव है वहाँ इस तरह का प्रकरण हुआ है और 5 ट्रकों में गौवंश की तस्करी हो रही है और स्थानीय जो ब्लॉक प्रमुख है उनका नाम भी आरोपित है। तो जैसे कि गाय है, गाय एक भारतीय संस्कृति की, हमारी सनातन संस्कृति का बहुत प्रमुख अंग है और हम अपनी माता के साथ साथ अगर किसी और को माता कहते हैं तो वो गाय है और भारतीयों की आस्था का प्रतीक है गाय। और जब इस तरह की घटना हम देखते हैं कि स्थानीय लोगों का भी इस तरह से हस्तक्षेप रहता है गौवंश की तस्करी में, तो ये बहुत ही दुखदायी खबर है। और विश्व हिंदू परिषद हमेशा सनातन संस्कृति को और भारतीय संस्कृतियों का संरक्षण में आगे रहता है और गौवंश की जिस तरह से तस्करी है, तो निश्चित ही हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि जो भी इसमें जिनके नाम आरोपित हैं निष्पक्ष रूप से जांच हो, चाहे उनका सत्ता में कितना ही उनका हस्तक्षेप क्यों ना हो, लेकिन निष्पक्षता के साथ इसकी जांच हो और गौवंश की तस्करियों में गौवंश की क्रूर जो हत्या है इस तरह के प्रकरण को रोका जाए, आरोपित लोगों को पकड़ा जाए। भारत में तो विशेष रूप से गाय की तस्करी बंद होनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि में भी अगर इस तरह की प्रकरण आते हैं तो ये निश्चित ही एक दुखदायी और बहुत ही शोचनीय और बहुत ही शर्मनाक विषय है। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।